कह रहे हैं, आम जनता, आम घर के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी और इनसे रहते हैं, जो एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके बच्चे नहीं जाते पिज्जा खाने और उनके बच्चे नहीं 3,000 का गुटखा खाते हैं, वो गरीबी के हालत में ऐसे जीवन जीते हैं। होना चाहिए पहले भारत की जो दुनिया में पोजीशन थी, भारत के मिनिस्टर जाते थे ना विदेश में एयरपोर्ट पर, उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती थी, उनको चड्डी में खड़े कर, हाँ जी जॉर्ज फर्नांडिस, शाहरुख खान सही बोले, जॉर्ज फर्नांडिस सही बोले, बिल्कुल उनके कपड़े उतार के नंगा कर दिया गया था, ये हिंदुस्तान से आया है, ये पोजीशन थी हमारे देश की। जब भी रिलीजन के नाम पे वोट पड़ेगा वहाँ एजुकेशन पीछे रह जाएगा, रोजगार पीछे रह जाएगा। और ये आप कह रहे हैं ना अखिलेश, आप एक मिनट इधर आइए अंकल, आप कह रहे हैं ना अखिलेश यादव को कृष्ण लिखते हैं, हम वो भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम एक स्टूडेंट है, यूपीएससी कर रहे हैं, आम जनता, आम घर के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी और इनसे रहते हैं, जो एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके बच्चे नहीं जाते पिज्जा खाने और उनके बच्चे नहीं 3,000 का गुटखा खाते हैं, वो गरीबी के हालत में ऐसे जीवन जीते हैं। 56-58 साल में कांग्रेस पीने का पानी क्यों नहीं मुहैया करा पाई? मान लीजिए चलो एक मिनट सुन लेते हैं, आपका एक सेकंड पहले हम सुन लेते हैं, चलो 60 साल में गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मैं पहले अंकल की बार एक बार लाइन, पहले बार 9 साल में इन्होंने क्या किया, आप पहले सुन लेना, फिर एक जवाब। आपको ये पता होना चाहिए पहले भारत की जो दुनिया में पोजीशन थी, भारत के मिनिस्टर जाते थे ना विदेश में एयरपोर्ट पर, उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती थी, उनको चड्डी में खड़े कर, हाँ जी जॉर्ज फर्नांडिस, शाहरुख खान सही बोले, जॉर्ज फर्नांडिस सही बोले, बिल्कुल उसके कपड़े उतरवा के नंगा कर दिया गया था, ये हिंदुस्तान से आया है, ये पोजीशन थी हमारे देश की, आपको शायद पता नहीं है। दूसरे एक मिनट, दूसरी अब आप कह रहे हो कि अभी आप बात कर रहे थे मैं पब्लिक को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा रोजगार सुरक्षा स्वास्थ्य, आम एक जनता आम आदमी है ना, जनता आम आदमी ये चाहिए ना, तो 56-58 साल में कांग्रेस पीने का पानी क्यों नहीं मुहैया करा पाई, किसी गांव-गांव में पीने का पानी क्यों नहीं गया, ये अब भाजपा कर रही है। प्लेटफार्म पे आप लोग जाते थे, आप माँ बाप के साथ गए होंगे, घर से सुराही भर के चलते थे, आज हर प्लेटफार्म पर पानी मौजूद है, छोटी छोटी जरूरतें, एक ही बात कहूंगा, एक मिनट बेटा एक मिनट, छोटी छोटी जरूरतें जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाई, शौचालय तक का गवर्नमेंट प्रबंध नहीं करा पाई, आम आदमी का बैंकों में खाता नहीं खुलवा पाई, उस गवर्नमेंट को क्या कहोगे, 0%। अब दूसरी बात आओ महंगाई पे, हम लोगों की सोच है 20 रुपए का समोसा हमें बहुत महंगा लगता है, 400 रुपए का पिज्जा हम बड़े मजे सस्ता समझ के खाते हैं, एक मिनट जी, अब 600-700 रुपए किलो का बादाम हमें बहुत महंगा लगता है, 3,000 किलो का गुटखा हम बड़े मजे में फांकते हैं, ये है महंगाई की पोजीशन। 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूम रही है। सबसे पहले मैं अंकल को यही कहूंगा कि हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है, जैसे पिछले गवर्नमेंट ने ये किया, वो गवर्नमेंट आएगी उससे कुछ अच्छा करेगी, फिर वो गवर्नमेंट आएगी उससे कुछ अच्छा करेगी, पर ये कह देना कि 60 साल में काम नहीं हुआ, ये कोई एकदम इस बात का कोई दो राय नहीं कि 60 साल में काम हुआ, 60 साल में कंडीशन और 60 साल में काम हुआ। अंकल ने एक और बात कहा, 700 रुपए का बादाम और 3,000 का पिज्जा, कोई गरीब का बच्चा 3,000 का पिज्जा खाने नहीं जाता है, आपने पिज्जा में भी कुछ बोला अंकल, बहुत रेस्पेक्टेड है, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट में और रेलवे में अच्छा काम किया, लेकिन रेलवे में किनके लिए अच्छा काम हुआ, जिनके पास आज पैसा है वो वंदे भारत का टिकट खरीद के चले जाते हैं, गवर्नमेंट 4 वंदे भारत लेके आई, लेकिन अरे बड़े भाई सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, माइक ले लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, आप मैं हम बिहार से आते हैं, आप यहाँ से बिहार जाइए और जनरल बोगी का आप दिल्ली स्टेशन पे इनको या इनको भेजिए, जनरल स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, पर रेलवे तो वही रह गया, रेलवे का तो वही हालत है, लोग जनरल बोगी में मजदूर यहाँ से मर के जाके कट मर के से बैठते हैं, एक जनरल बोगी 100-200 लोगों का सीट, 2,000 उसमें बैठे पड़े हैं, तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, रेलवे का कंडीशन वही रह गया, एक वंदे भारत सरकार लेके आई, मोदी जी वंदे भारत बहुत सारा लेके आए, पर जो अपने यहाँ नॉर्मल ट्रेन से लोकल ट्रेन से उसका क्या हालत है, वहाँ तो आज भी मजदूर मर रहे हैं, जो कह रहे हैं आम जनता, आम घर के बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी और इनसे रहते हैं, जो एकदम
पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनके बच्चे नहीं जाते पिज्जा खाने और उनके बच्चे नहीं 3,000 का गुटखा खाते हैं, वो गरीबी के हालत में ऐसे जीवन जीते हैं। गरीब का बच्चा और एक सेकंड रुको, क्यों खाता है, क्यों खाता है? एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आप तो कह रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री यह 20 साल से क्या किया बिहार में बता दो। जो गवर्नमेंट आएगा हम उससे अगेंस्ट होंगे। हम नीतीश कुमार हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसको लाओगे किस बताइए एक मिनट नहीं नहीं जाना मत बेटा अभी मत जाना रुको एक सुन के जाओ। बीपीएल के बारे में आपने बोला बिलो पॉवर्टी लाइन। नीति आयोग का 2016 से 2021 का रिकॉर्ड है जो अभी इश्यू हुआ दो दिन पहले कि 13.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। इसका एकमात्र जवाब है आप उनसे वो पूछ लीजिएगा कि जो उनका आय का रेट था जिससे पहले की गवर्नमेंट रखती थी कि उनका आय का रेट ये है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं 10,000 रुपए कोई दिन का इस महीने का कमा रहा है एग्जाम्पल है तो वो गरीब नहीं है। गवर्नमेंट आई और उन्होंने आय का रेट घटा दिया। मैं बिलो पॉवर्टी लाइन बोल रहा हूँ उसमें आय का रेट का मकसद ही नहीं आता जब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। पॉवर्टी लाइन वो होते हैं जिनका इनकम का एक रेट होता है कि इतना से कम कमाने वाले वो बीपीएल में आ रहे हैं। बीपीएल में आ रहे हैं लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बीपीएल का जो आय का जो रेट है जो डेटा है उनको उन्होंने उसमें कमी कर दी, उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। इस वजह से इतना लोग पॉवर्टी के बाहर जा रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं सर, एक बार आप इनका माइक लीजिए, कैमरा लीजिए, चारों तरफ घुमाइए, देखिए मजदूर आज भी वैसे ही है कि नहीं है चांदनी चौक पे, क्या हालत है उनकी, क्या हालत है उनकी। स्टेटस जो है स्टेटस के हिसाब से अपग्रेड होता है बंदा। जो एक मलाई खा रहे हैं ना एक ग्रुप, जो एक मलाई खा रहे हैं एक ग्रुप, जो मलाई खा रहा है जो बिजनेसमैन से जिनके राम के नाम जो बिजनेसमैन से या जो अच्छे घर से हैं जिनके पास अच्छी इनकम है उनके एक ही मकसद है उनको बीजेपी अच्छी लगेगी, उनको बीजेपी अच्छी लगेगी ही लगेगी। सर जो बिजनेस पर्सन है हमारे इंडिया में बिजनेस के जो आप रेशियो बता दो कितना है और जो मास है वो कितना है। बिजनेस का ऐसा कोई रेशियो मुझे नहीं पता, नहीं पता आपको पता है तो आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ टैक्स कितने परसेंट लोग देते हैं इंडिया में बताऊँ। टैक्स नहीं दे रहे आप, एक 5-10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं उसमें भी तो टैक्स दे रहे हैं भैया। अब वो 4-5 जो भी परसेंट लोग हैं वो दे रहे हैं, 6-6% लोग खाली इंडिया में टैक्स देते हैं। जो अंकल टैक्स दे रहे हैं जो 6% लोग फाइल कर रहे हैं, जो 6% लोग टैक्स दे रहे हैं उनका उस हिसाब से इनकम है उनका, उनके बिजनेस के उनके बिजनेस उनके उतना टैक्स दे पा रहे हैं 6% से क्यों दे रहे हैं। गवर्नमेंट की पहली हो रहा है ना, उनके जो टैक्स हैं 6% के हिसाब से वो बिजनेस वाले हों या हाई सैलरी वाले हों उनसे देश नहीं चलता। 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट आई वो मास ने दिया है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन रिलीजन है। नहीं रिलीजन अभी मैं बता रहा हूँ, राम के नाम पे वोट तो बीजेपी नहीं मांगा। अभी मैं बता रहा हूँ हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को अपना भगवान मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं, लेकिन हम राम के नाम पे तो रिलीजन के नाम पे वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। वर्तमान की बात काटता हूँ, वर्तमान आपने कहा कि राम के नाम पे वोट मांगा, ठीक है, हिंदू बिल कोड पहले मुसलमानों के नाम पे कौन लेके आया? एक और बात, एक मिनट, अब इधर 1991 में कांग्रेस ने आप जो कह रहे हैं ना हम वही बात आपसे कह रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं होती है। कोई मुस्लिम के नाम हम बता रहे हैं ना, कोई मुस्लिम को डराता है, कोई गवर्नमेंट मुस्लिम को डराता है कि आपको हिंदू से खतरा है, कोई गवर्नमेंट हिंदू को डराता है कि आपको मुस्लिम से खतरा है उसके नाम को। एक मिनट जी, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है केवल। अब आप इस बात की गारंटी देते हैं कि 2024 इलेक्शन में किसी भी रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा? मांगा जाएगा, बिल्कुल मांगा, हर कोई मांगेगा, हर मांगेगा, हर कोई जब 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 भी रिलीजन के नाम पे वोट, जब भी रिलीजन के नाम पे कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है तो धर्म के नाम पे। जब भी रिलीजन के नाम पे वोट पड़ेगा वहाँ एजुकेशन पीछे रह जाएगा, रोजगार पीछे रह जाएगा। और ये आप कह रहे हैं ना अखिलेश, आप एक मिनट इधर आइए अंकल, आप कह रहे हैं ना अखिलेश यादव को कृष्ण दिखते हैं, हम वो भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम एक स्टूडेंट है यूपीएससी के, हम किसी पार्टी को डिपेंड नहीं कर रहे हैं।
जब भी अखिलेश को आप मुद्दा समझिए, ये इनका कहने का मतलब है रिलीजन के नाम पे भाजपा जो है वोट मांगती है, ये इनका परसेप्शन है, ये इनकी धारणा है, वो गलत। तो कृष्ण इसलिए दिखने लगे क्योंकि बीजेपी को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि चाहिए था, उन्होंने कहा हिंदू वोट तो बट रहा है, हम फट से कह देते हैं कृष्ण हमारे कुल गुरु है, हमको सपना दिखा रहा है ऑपोजिशन। आप एक पार्टी नाम बताओ जो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, तो वही तो हम धर्म के नाम पे वोट मांगती है, इसीलिए तो हम पीछे रह गए ना, अब तो हम एक्टिव हो, अब तो हम कहेंगे रिलीजन हमारा पर्सनल प्रैक्टिस है। धर्म के नाम पे सोनिया गांधी ने धर्म के नाम, सोनिया गांधी ने धर्म के नाम पे ये वर्ड बोले थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। जब राम सेतु का मुद्दा उठा था, राम सेतु का रामेश्वरम का मुद्दा उठा था, सोनिया गांधी का बयान है, रिकॉर्डेड है, कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। और ऑपोजिशन कांग्रेस बीजेपी का मजाक उड़ाती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तीन साल कपिल सिब्बल ने तीन साल डिले किया है ये वर्डिक्ट को। भैया ये कह रहे थे कि एक धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अगर एक धर्म विशेष अगर इस पार्टी को हट के वोट देगा सारा टोटल, तो एक वाला जो बंदा है सामने वाले के आँख कान नहीं है क्या? वो भी तो धर्म विशेष देखेगा ना भाई, कि अगर ये एक धर्म विशेष वहाँ वोट डाल रहा है, उस पार्टी को वोट नहीं दे रहा है एक धर्म विशेष, तो ये तो राजनीति शुरू से गंदी चली आ रही है हमारे देश में, शुरू से गंदी चली आ रही है, उसे बदल ही नहीं कह रहे हैं आप। ये मैं बोल रहा हूँ धर्म के नाम से कितने रोड पे मांग रहे हैं, ये लोग को बंद करवाओ। नमस्कार, मैं हूँ अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।